hello students i welcome you all in today's biology class in this class we are going to study asexual reproduction in living organisms from the lesson how do organisms reproduce in the previous classes we have discussed the role of dna in reproduction and difference between sexual and asexual reproduction सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द मैथड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ये जो कंसेप्ट है ये स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते कि वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन सो रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज़ सिमिलर टू दैम तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिसमें वो ऑर्गेनिज्म न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम को फॉर्म कर सकता है एंड इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ सो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ये प्रोसेस में स्पेसिस का कंटिन्यूशन होता है तो हमने ये पहले डिस्कस किया है कि जो रिप्रोडक्शन की मेथड है या रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस है जो कि एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये अपने खुद के स्पेसिस को कंटिन्यू करने के लिए ये प्रोसेस जो है ये परफॉर्म करते हैं तो इसमें से जो इसके जो टू टाइप्स है एसेक्सुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो द प्रोडक्शन ऑफ ऑब्स्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग या प्रोजिनी का जो फॉर्मेशन होता है वो सिंगल पेरेंट से होने वाला है यानी कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस यूनी पेरेंटल प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है जिसकी वजह से गैमिट्स का फ्यूजन नहीं होने वाला है यानी कि इसमें यूनिपेरेंटल प्रोसेस होने की वजह से एक ही पेरेंट इसमें क्या होता है इन्वॉल्व होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ द मोर प्रेमेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इट इंश्योर्स रैपिड इंक्रीज इन नंबर तो ये एडवांटेजेस है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कि ये जो रिप्रोडक्शन के मेथड है इस मेथड से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनका जो नंबर इंक्रीज़ होता है वो बहुत ही रैपिडली उसका नंबर इंक्रीज़ हो सकता है तो इसका ऑकरेंस कहाँ पे या ए सेक्शुअल की जो मेथड है ये कहाँ पे या कौन से ऑर्गेनिज़म्स में ये फॉलो की जाती है तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन प्रोटोजोन्स जो कि प्रोटिसट है यूकैरेटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं एंड सम एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस सोलेंटरेट्स एंड सर्टन वर्म्स एंड टूनिकेट्स तो इसमें ये सिक्शुअल रिप्रोडक्शन की मैथड जो है ये परफॉर्म की जाती है तो जैसे हम कुछ यहाँ पर मैथड्स सीखने वाले हैं रिप्रोडक्शन के तो उसमें वन बाई वन हम ये डिफरेंट मैथड जो है वो स्टडी करेंगे तो उसमें ये एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं तो ये जो एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है ये परफॉर्म की जाती है प्रोटोजोन्स एंड सम एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस में सोलेंटर में एंड सर्टन वर्म्स एंड ट्यूनिकेट्स में बट इट इज अपसेंड अमंग द हाइयर इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स जो हाईली इवॉल्व है या हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ये जो एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है ये परफॉर्म नहीं की जाती है तो इसमें जो मेथड्स है रिप्रोडक्शन के तो वो मेथड्स वन बाय वन हम अभी स्टडी करने वाले हैं दिस इज द लिस्ट ऑफ़ मेथड्स ऑफ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच फर्स्ट मेथड ऑफ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज फीशन एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स दैट इज़ बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन After that, second one is budding, then fragmentation, fourth one is regeneration, then spore formation, and last one is vegetative propagation. So vegetative propagation or two methods, vale ke, two types that is cutting and layering. So these are the methods of asexual reproduction in living organisms. तो यहाँ पे जो इन लिस्ट किए गए हैं मेथड्स सारे तो इसमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये परफॉर्म किए जाते हैं और कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो कि मल्टी सेलर में परफॉर्म किए जाते हैं तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो फिशन की जो प्रोसेस है जिसमें हम सीखने वाले हैं बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन देन बडिंग तो ये जो थ्री टाइप्स है या थ्री मेथड्स है तो ये थ्री मेथड्स परफॉर्म किए जाते हैं यूनि ऑर्गेनिज़म्स में एंड uh, जो मेथड्स है फ्रैगमेंटेशन रीजनरेशन स्पोर फॉर्मेशन देन वेजिटेटिव प्रपगेशन तो ये जो मेथड्स है ये फोर मेथड जो है ये परफॉर्म किए जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में तो ये मेथड्स हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के तो आज के क्लास में जो मेथड्स है यूनिसलर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के वो हम पहले देखने वाले कि इसमें कौन से और टाइप्स आते हैं तो जो फिशन की प्रोसेस है तो बाइनरी फिशन जो है तो बाइनरी फिशन की प्रोसेस में ये अगेन डिवाइड हो गए थ्री टाइप्स में जैसे कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म या प्रोटिस्ट है जो हम स्टडी करने वाले हैं तो उनका जो मेथड है रिप्रोडक्शन का उसके बेसिस पे ये थ्री मेथड्स बनाए गए हैं जिसमें सिंपल बाइनरी फिशन की जो प्रोसेस है जिसमें हम सीखने वाले एग्जाम्पल ऑफ अमीबा देन ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन की जो प्रोसेस है इसमें हम एग्जाम्पल देखने वाले पैरम्शियम का देन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन जो है इसमें हम एग्जाम्पल देखने वाले यूगलिना का तो ये मेथड्स क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देन मल्टीपल फ्यूजन की प्रोसेस है एंड लास्ट वन जो है वो है बर्डिंग सो so, ये थ्री जो प्रोसेस है तो ये प्रोसेस हम सीखने वाले हैं ये जो मेथड्स है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के तो वन बाय वन ये मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं तो इसमें जो बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस आती है तो उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स इस मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं तो उस ऑर्गेनिज़म में एक अगर हम बॉडी ऑर्गेनिज्म की कंसिडर करते हैं तो बाइनरी फिशन की प्रोसेस में इसका जो डिवाइडेशन है ये टू ऑर्गेनिज़म्स में होता है बाय यानी कि टू तो इस मेथड से इस पैरेंट बॉडी का जो डिवाइडेशन है या पैरेंट बॉडी जो है वो ब्रेक होके क्या होता है टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो ये बाइनरी फिशन की प्रोसेस है और जो मल्टीपल फिशन है तो इसके जो नेम है तो नेम से हमें पता चलता है कि एट ए टाइम क्या होता है बहुत सारे जो डॉटर सेल्स है वो क्या हो जाते है एटमोसफेयर में रिलीज हो जाते हैं तो ये मल्टीपल फिशन की प्रोसेस है और जो बडिंग है तो बडिंग मीन्स आउटग्रोथ जो ऑर्गेनिज्म है इसके बॉडी पे जो आउटग्रोथ आती है बड़ का फॉर्मेशन होता है तो ये हम सीखने वाले हैं बाय ईस्ट के जो सेल्स है उसमें जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की वो बडिंग की प्रोसेस है तो बडिंग की प्रोसेस में हम एग्जाम्पल देखने वाले ईस्ट सेल का मल्टीपल फिशन की प्रोसेस में हम अमीबा का ही एग्जाम्पल अगेन डिस्कस करने वाले हैं तो सिंपल बाइनरी फिशन में अमीबा ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन की प्रोसेस में पैरामिशियम एंड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन की प्रोसेस में यूगलिना तो ये प्रोटीज जो है इनका जो रिप्रोडक्शन के मेथड्स है ये मेथड्स हम नेक्स्ट uh, क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी The methods of asexual reproduction in unicellular organisms uh, with the help of diagrams.